हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एनल फिशर के बारे में, जो कि बहुत ही सीवियर पेनफुल कंडीशन होती है एनोरेक्टल डिजीजों में। और इसकी सीवियरिटी और इसका इंसिडेंस जितने भी एनल कैनाल के डिजीजेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। और इसकी कंडीशन ये होती है कि इसमें कोई एज ग्रुप वाली बात नहीं होती है। ये छोटे नवजात बच्चों, नवजात का कई बार तो डिलीवरी के जस्ट बाद जो बच्चे होते हैं उनमें फिशर की कंडीशन मिलती है। तो बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक इसमें कोई एज बार नहीं होता, कोई भी एज ग्रुप का कोई मतलब नहीं होता। छोटे बच्चों से लेकर के और बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनमें भी सब में फिशर की कंडीशन मिलती है, सीवियर और पेनफुल होती है। तो आज हम लोग बात करेंगे फिशर के कारण, लक्षण और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फिशर की। तो फिशर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी है फिशर, फिशुला और पाइल्स क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर इसके बारे में आप लोगों को जानना होगा तो आई बटन पर जाइए और वहाँ से तीनों के डिफरेंस के बारे में आप जान सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं डिस्कस कर देता हूँ कि फिशर होता क्या है। आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, एनल कैनाल में अगर कोई टीयर हो जाता है, कट लग जाता है, जैसा कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बेवाय फटा होता है, पैर में कट लगा होता है, बेवाय जिसको बोलते हैं, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके वोट साइड्स में फटे होते हैं। तो इस टाइप की कंडीशन अगर आपके एनल कैनाल में आ गई है तो उसको हम लोग फिशर नाम देते हैं। तो फिशर का मतलब ही होता दरार, क्रैक होना, दरार फटना। तो उस टाइप की कंडीशन अगर एनल कैनाल में आई है तो उसको हम लोग फिशर का नाम देते हैं। सीवियर पेनफुल होता है, पेनफुल इस वजह से होता है कि जब भी स्टूल पास करता है एनल कैनाल डायलेट होता है, फैलता है, और उस फैलने की वजह से जो टीयर है या कट लगा हुआ है वो भी फैलता है और वो और ज़्यादा टीयर करता है, और ज़्यादा फटता है, जिस वजह से सीवियर पेन होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके कारण, लक्षण और उपाय के बारे में। तो जो कारण है, जो कॉजेज ऑफ द फिशर हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो फर्स्ट कॉज है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो स्टूल होता है वो हार्ड होता है। हार्ड होने के बाद जो फर्स्ट कॉलम आता है स्टूल का वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और उसका डायमीटर भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा डायमीटर वाला जो हार्ड स्टूल एनल कैनाल से पास करता है, उस वजह से जो इसका डायलेटेशन होता है, जितना डायलेटेशन होना चाहिए उसके बाद भी जो उस कॉलम की जो मोटाई होती है इसके डायलेटेशन से भी ज़्यादा होती है, जिस वजह से जब वो डायलेट एनल कैनाल के थ्रू पास करता है तो इसमें एक कट लग जाता है या टीयर हो जाता है, या यूं कह सकते हैं वो फट जाता है, जिस वजह से सीवियर पेन होता है और ब्लीडिंग हो सकती है। तो फर्स्ट कारण जो हुआ वो है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट जो कारण है वो है स्फिंक्टरिक स्पाज्म। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका जो स्फिंक्टर होता है, जो इसकी इलास्टिसिटी होती है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, जो इसका स्फिंक्टर का जो इलास्टिक या इसका डायलेट होने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, वो परमानेंट स्पाज्म वाली कंडीशन में होती है, यानी कि परमानेंट सिकुड़ने वाली कंडीशन में होती है। जितना डायलेट होना चाहिए उतना डायलेट नहीं होता है और ज़्यादा सिकुड़ा हुआ होता है। तो जब इसका रास्ता ही कम रहेगा तो जब स्टूल का कॉलम आता है तो इसको छिलते हुए आता है, जिस वजह से फिशर डेवलप होता है। नेक्स्ट कारण है पोस्ट ऑपरेटिव। अब पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब यह हुआ कि कोई मॉडर्न सर्जरी कराया या किसी टाइप की कोई एनोरेक्टल सर्जरी कराया, जैसे कि हेमरोइडेक्टॉमी हुआ या फुस्टिलोक्टॉमी करवा के आए, या कोई एनोरेक्टल डिजीज है जिसका ऑपरेशन करवा के आए, उसकी वजह से अगर फिशर डेवलप हो गया तो उसको हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव के अंतर्गत रखते हैं। तो ये कॉज हुए हम लोगों के फिशर के। तो जो मेन सिम्टम है फिशर का उसमें है पेन, पेन जो कि सीवियर पेन होता है, मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है पेशेंट को। जब भी वो डेफिकेट करने के लिए जाएगा तो उसे सीवियर पेन होगा और उस पेन की वजह से वो पूरा का पूरा डेफिकेट भी नहीं कर पाता है और वो उठ करके वापस आ जाता है, जिस कारण से उसे स्टूल पास करने की जो इच्छा होती है वो बनी रहती है। तो दिन भर में 2 या 3 बार वो स्टूल पास करने के लिए जाता है, लेकिन जब भी जाता है उसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और उस सीवियर पेन की वजह से जो उसका एनल स्फिंक्टर है उसमें स्पाज्म डेवलप होता है। पेशेंट डायलेट करने से डरेगा, जब भी डायलेट होगा उसका एनल कैनाल तो वो डरेगा और उसको वॉलंटरली उसको स्पाज्म करेगा। जब स्पाज्म करेगा तो उसमें एनल स्पाज्म या स्फिंक्टरिक स्पाज्म डेवलप होता है, जिससे कि आगे चल करके एनल स्टिनोसिस भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है ब्लीडिंग।
तो जो फिशर की जो पेशेंट होते हैं जब वो क्लिनिक में आते हैं तो ये बताते हैं कि हम जब भी डेफिकेट करने जाते हैं या जब भी स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो हमें सीवियर पेन होता है। सीवियर पेन के साथ साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लीडिंग होती है हमें। अब वो ब्लीडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप भी हो सकती है, और कई बार ये पेशेंट क्लेम करता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप या कोई ब्लीडिंग नहीं होती है हमें, जब भी हम स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो सीवियर पेन होता है। और पेन के साथ जो स्टूल का जो कॉलम है उस कॉलम में लाल लकीर लग करके आती है या खून की एक लकीर लग के आती है। तो ये कंडीशन फिशर की होती है। तो जो ब्लीडिंग हुई फिशर में ड्रॉप बाय ड्रॉप हो सकती है या स्टूल के कॉलम में लग के आ सकती है। नेक्स्ट जो कंडीशन है या नेक्स्ट जो सिम्टम है वह है प्रूराइटिस। पेशेंट को पेरिएनल एरिया में या एनल कैनाल में इचिंग होती है। सीवियर इचिंग होगी जब भी रात में सोने के लिए जाएगा तो उसको उसकी जो इचिंग की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। पेशेंट ये क्लेम करता है कि दिन में हमें इचिंग कम होती है और रात में जब भी हम सोने जाते हैं तो एनल एरिया में इचिंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट और लास्ट जो सिम्टम है वो है डिस्चार्ज, एनल डिस्चार्ज। एनल डिस्चार्ज का मतलब एनल कैनाल से कुछ डिस्चार्ज आते हैं, पानी जैसा कुछ लिक्विड उसमें से डिस्चार्ज होकर के आएगा या पस डिस्चार्ज होकर के आएगा। ये वाली जो कंडीशन होती है वो क्रोनिक एनल फिशर में मिलती है। जो एक्यूट फिशर होंगे उसमें से पस नहीं आएगा कभी भी, उसमें से जब भी आएगा तो या तो ब्लड ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आएगा या स्टूल के कॉलम में ब्लड लग के आएगा। अगर किसी के एनल कैनाल से कोई चिपचिपा पदार्थ निकलता है या उसमें से पस का डिस्चार्ज होता है तो वो क्रोनिक एनल फिशर है। आप उस क्रोनिक एनल फिशर को सीधी भाषा में ये समझ सकते हैं कि वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो गया है, अब वो किसी मेडिसिन से ठीक होने वाला नहीं है। तो अगर किसी के एनल कैनाल से पस का डिस्चार्ज आने लगा, पहले फिशर की कंडीशन थी लेकिन पस या पानी का डिस्चार्ज आने लगा तो वो क्रोनिक एनल फिशर बन गया है और उसमें से अब पस आ रहा है, इसका मतलब वो किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, वो फिस्टुला में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हम लोगों के सिम्टम्स हुए फिशर्स के। अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में। तो ट्रीटमेंट में फिशर के ट्रीटमेंट को दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक मेडिसिनल ट्रीटमेंट और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो अब हम लोग बात करेंगे मेडिसिनल ट्रीटमेंट की। तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो फिशर के पेशेंट होते हैं उसमें हम लोग लग्जेटिव का यूज़ करते हैं, कोई भी एक लग्जेटिव देते हैं जिससे कि स्टूल सॉफ्ट होकर के आए और जो उसकी एनल कैनाल की जो टीयरिंग है वो और ज़्यादा ना बढ़े। तो फर्स्ट तो लग्जेटिव देते हैं, सेकेंड उस पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जब भी वो स्टूल पास करके आए तो हॉट शीट बाथ लें, टब में गर्म पानी लेना है और उसमें 5 मिनट बैठ करके सिकाई करना है। तो हॉट शीट बाथ से काफ़ी रिलीफ मिलता है पेशेंट को। और जब भी डेफिकेट करने के लिए जाता है तो हम लोग मेडिकेटेड ऑयल का शॉर्ट एनिमा दिलवाते हैं उसको, जिसमें कि जैसे कि जत्यादि तेल है तो जत्यादि तेल का शॉर्ट एनिमा दिलवाते हैं जो कि रबर कैथेटर और सिरिंज की मदद से हम लोग देते हैं। अगर आप लोगों को जत्यादि तेल कैसे इंसर्ट करते हैं एनल कैनाल में इसके बारे में जानना है तो आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहाँ से जा करके इसका वीडियो देख सकते हैं। तो जत्यादि तेल का इंसर्शन के बाद हम लोग उसमें कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर सीवियर पेन है तो कुछ पेन किलर या एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और कुछ एंटीबायोटिक भी यूज़ करवाते हैं। अगर ब्लीडिंग हो रही है ड्रॉप बाय ड्रॉप, अगर एक दो बूंद या एक चम्मच तक की भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हॉट शीट बाथ और जत्यादि तेल और कुछ मेडिकेशन इनसे ही बंद हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हीमोस्टेटिक जो ड्रग्स होते हैं उसका यूज़ करवाते हैं। अब आते हैं हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग मॉडर्न सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो जो मॉडर्न सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें फर्स्ट है लॉट प्रोसीजर, जिसको 4 फिंगर डायलिटेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो उसमें पेशेंट को ओटी टेबल में लेटा करके जनरल एनेस्थीसिया में उस पेशेंट को एनेस्थेसाइज करते हैं और उसके बाद जो सर्जन्स होते हैं उसके एनल कैनाल में 4 फिंगर इंसर्ट करते हैं और उसको डायलेट करते हैं, मैनुअली डायलेट करते हैं। तो 4 फिंगर डायलेटेशन इसको बोलते हैं, इसी को लॉट्स प्रोसीजर नाम हम लोग देते हैं। तो इससे उसका स्पाज्म कम हो जाता है, स्पाज्म कम होने की वजह से फिशर थोड़े दिनों को लिए तो ठीक हो जाता है लेकिन उसकी रिकरेंस के चांसेस बने रहते हैं, 2 महीने 6 महीने या साल भर बाद या 2 साल बाद फिर से फिशर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑपरेटिव प्रोसीजर है मॉडर्न सर्जरी का वो है लैटरल स्फिंक्टरोट्रॉमी, क्लोज लैटरल स्फिंक्टरोट्रॉमी, और नेक्स्ट है ओपन पोस्टेरियर स्फिंक्टरोट्रॉमी। तो ओपन पोस्टेरियर स्फिंक्टरोट्रॉमी में 6 o'clock पे जो उसका इंटरनल स्फिंक्टर है उसको हाफ कट करते हैं, और जो क्लोज लैटरल स्फिंक्टरोट्रॉमी है उसमें जो उसका स्फिंक्टर है लैटरल साइड में 9 o'clock या 3 o'clock पे कट लगाते हैं, जिससे कि उनका एनल स्फिंक्टर थोड़ा सा डायलेट होता है और फिशर वाली कंडीशन थोड़ी रिजॉल्व होती है, लेकिन इन सारे प्रोसीजर में रिकरेंस के चांसेस बने रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे
छाड़सूत्र सर्जरी के बारे में, छाड़सूत्र थेरेपी के बारे में। तो छाड़सूत्र थेरेपी में हम लोग क्रोनिक कैनल फिशर के जो पेशेंट होते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया था, जिससे पस का डिस्चार्ज होने लगा हो, जिससे कुछ लिक्विड डिस्चार्ज पेशेंट आकर के ये बताता हो कि हमारे एनल कैनाल से कुछ चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है, तो इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं, या अगर उसमें से कोई चिपचिपा पदार्थ या कोई पस का डिस्चार्ज नहीं भी हो रहा है, और अगर पर रेक्टल एग्जामिनेशन करने पे वहाँ पे एंड्यूरेशन, टेंडरनेस और साथ साथ फाइब्रोसिस वाली कंडीशन भी डेवलप हो गई है, वहाँ पे गांठ बन गई है, तो उस पेशेंट को हम लोग छाड़सूत्र थेरेपी से ठीक करते हैं। छाड़सूत्र में हम लोग क्लोज पोस्टेरियर स्फिंक्टरोट्रॉमी करते हैं, जिसमें कि 6 o'clock वाली जो पोजीशन है वहाँ पे एक फिशुलस ट्रैक बनाते हैं, और वो जो गांठ वाली पोजीशन है जहाँ पे पैथोलॉजी है, उस पैथोलॉजी को एक्सिड करके उसके अंदर जा करके और उस थ्रेड को बाहर निकालते हैं, और उस थ्रेड को लाइगेट करते हैं, और उस लाइगेट थ्रेड को हर हफ्ते वीकली चेंज करते हैं, और जब तक कि वो कट के बाहर ना निकालाए, और इस पूरे प्रोसीजर में 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। पेशेंट को हफ्ते में एक बार आना होता है, थ्रेड चेंज कराना होता है और वापस जाना होता है। 1.5 से 2 महीने में थ्रेड कट के निकल जाता है और जो वहाँ की पैथोलॉजी हो वो रिजॉल्व हो जाती है, और पेशेंट ठीक होकर के घर चला जाता है, और रिकरेंस के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं इसमें। तो ये रहा हम लोगों का एटियोलॉजी, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ द फीसर्स, कारण लक्षण और उसके उपाय। नेक्स्ट वीडियो जब तक अपलोड होगा तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।